सो जी आज रिव्यू कर रहे हैं JIS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कल्याणी। बता दो, दो नाम से कन्फ्यूज मत होना, एक है JIS यूनिवर्सिटी, एक है JIS कल्याणी। आई विल नेवर रिकमेंड टू चूज़ JIS यूनिवर्सिटी। प्लेसमेंट बेकार है, फैकल्टी बेकार है, कैंपस लेवल कुछ है नहीं। यहाँ पर भी कुछ हद तक ठीक ठाक है, ओके। तो यहाँ पर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया, कट ऑफ हो गया, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगे। एंड जिन बच्चों को एक डायरेक्ट एडमिशन चाहिए इन टॉप कॉलेजेस, IIM, हेरिटेज, टेक्नोमेन, नेताजी, UOT, जो भी कॉलेजेस है, सारे कॉलेज रजिस्टर्ड हैं, आप काफ़ी कम बजट में एडमिशन करवा सकते हो। सिंपली इस नंबर को कॉन्टैक्ट करना है, या हम लोग जो ऑफिस है सेक्टर 5 में, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो। देखो, जो CAC है, IT है, स्पेशलाइजेशन है, इसी है कट ऑफ, वही 45K 60K के रहता है। तो हाई रैंकर वाले बच्चे भी एडमिशन यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। CAC 45K तक मिल जाता है। तो परेशान मत होना कि मैं 40K रैंक है, 50K रैंक है, 60K रैंक है, तो मुझे एडमिशन नहीं मिल सकता है। तो ये एक ऐसा कॉलेज है, आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। बाकी देखो, फीस स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीका से इसका, ठीक है। CAC का फी 7 लाख है, IIT का फीस 6.5 लाख है, एंड जो बाकी ब्रांचेस हैं उसका फीस 6 लाख तक है। तो कुछ वैसा वेरिएशन है फीस स्ट्रक्चर में, सबका एक नहीं है। प्लेसमेंट दोगे, प्लेसमेंट इसका अच्छा मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, ठीक ठाक ही मैं कहूँगा। एवरेज पैकेज 3.6 LPA है, हाईएस्ट पैकेज 9 LPA है। जो 2024 का डेटा मुझे जो मिला है, ठीक है, 80% प्लेसमेंट यहाँ पर हो चुका है। एंड कंपनीज लाइक IBM हो गया, कॉन्जेंट हो गया, एंड इन्फोसिस हो गया, तो मेनली ये सब कंपनियाँ आती है। टीचर्स आपको यहाँ पर ठीक ठाक मिलेंगे, कुछ खास नहीं मिलेंगे। और थर्ड ईयर से टीचर, मतलब बच्चों ने ये कही, थर्ड ईयर टीचर को यहाँ पर अच्छे खासे मिलते हैं, ओके। एंड यहाँ पर कोई आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं किया जाता, आप खुद से इंटर्नशिप ग्रैब करना पड़ता है। अगर कॉलेज प्रोवाइड कर भी रहा है तो मेनली वो अनपेड होता है, अनपेड है भी तो वो मतलब 6K 8K वाला सैलरी आपको मिल रहा होगा। लाइक बाकी सब कॉलेज में कोडिंग क्लब होता है, ये सब क्लब होते हैं, तो यहाँ पर क्लब वगैरह ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आपको मेनली अपने पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा एंड खुद स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा। मतलब मैं ये कहूँगा कि ओके टाइप कॉलेज है, मतलब ओके टाइप कॉलेज है। अगर मैं रेटिंग यहाँ पर देना चाहता हूँ तो 2.8 दूंगा आउट ऑफ 5, ठीक है। तो स्पेशली ये कॉलेज उनके लिए जो हाई रैंकर्स वाले हैं, अबव 40 के रैंक है, तो देन ओनली कॉलेज चूज़ कीजिए आप। एंड देखो, ये कॉलेज काफ़ी पुराना है, 2000 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो यहाँ पर आपको एलुमनी नेटवर्क काफ़ी अच्छा मिल रहा होगा। तो इसकी कोई मतलब चिंता वाली बात है ना कि जो सीनियर से अच्छे नहीं हैं, तो सीनियर्स काफ़ी आपको अच्छे मिल रहे हैं, या कह लीजिए कॉलेज के जो पास आउट है वो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं आपको यहाँ पर। ये पहले कुछ खास नहीं था, बट राइट नाउ आफ्टर लाइक कोविड ये कॉलेज थोड़ा बहुत इंप्रूव कर रहा है, तो यू कैन टेक एडमिशन ऑन दिस कॉलेज। अल्टीमेटली ज़्यादा कुछ बताने वाला है इस कॉलेज के बारे में, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका रैंक अगर 40K है, 45K, 50K यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। एंड सपोज़ आपका घर कल्याणी में है तो ले सकते हो। अब सपोज़ आप बिहार के बच्चे हो, झारखंड के बच्चे हो, देन ऑल्सो यू कैन चूज़ दिस कॉलेज ओवर FIM हो गया, जो कि हाई रैंक में मिल जाता है, आपका RCC हो गया जो कि हाई रैंक मिल जाता है। तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा। वैसे आप में से कोई भी स्टूडेंट एंड पेरेंट हो जिन्हें WBG का काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, आप आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपका रैंक 1 हो या 1 लाख हो, हमारी टीम पूरी तरह से हेल्प करेंगे सूरत एक परफेक्ट कॉलेज, एक परफेक्ट ब्रांच मिल जाए जहाँ पर प्लेसमेंट आपको अच्छा मिल रहा होगा। एंड जिन बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन चाहिए सबसे मिनिमम बजट में इन IIM, टेक्नो, हल्दिया, नरुला, JIS, देन यू कैन कॉल आवर एडमिशन टीम नाउ। एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप चाहो तो हम लोग का जो ऑफिस है कोलकाता में वो विजिट कर सकते हो। विजिट करने से पहले अपॉइंटमेंट जरूर बुक करवा लेना।